आप देख रहे हैं DAA न्यूज, हजारा का सबसे बड़ा न्यूज चैनल। एंटी कार लिफ्टिंग सेल और हवेलियां डूंगा गली और मांगल थाने के जो SHOs हैं, इनने ये रिकवरी किए। 16 गाड़ियां अभी तक हमने रिकवर की हैं और 6 मोटरसाइकिलें हैं चोरी शुदा। तो जो एंटी कार लिफ्टिंग सेल है, इनने 13 गाड़ियां रिकवर की हैं और ये गाड़ियां जो हैं रावलपिंडी, सियालकोट, कराची, हैदराबाद, लाहौर, इन जैसे शहरों से वो सरकशुदा हैं और वो हमने रिकवर की हैं। और इन गाड़ियों में 3 गाड़ियां ऑलरेडी अपने मालिकान को हवाले की जा चुकी हैं और बाकायदा 13 जो हैं, जो बाकी 13 हैं, वो भी बहुत जल्द अपने मालिकान को उनके अपने अजला के ज़रिए से हवाला कर दी जाएंगी। इसी तरह हवेलिया थाने की पुलिस ने मोटरसाइकिल चोरों का एक ग्रुप पकड़ा है और उनसे अभी तक 5 मोटरसाइकिलें जो हैं वो रिकवर हो चुके हैं। मुलजिमान में 2 भाई हैं, एक नूरुल्ला, एक अब्दुल्ला और एक तीसरा बंदा फरीद शाह। ये मोटरसाइकिल चोरी करके फिर उनको पीसेस में कन्वर्ट करके वो बेचते भी हैं। तो इनसे 5 मोटरसाइकिलें जो हैं अभी तक रिकवर हो चुकी हैं। इसी तरह डोंगा गली पुलिस ने जो है 3 गाड़ियाँ रिकवर की हैं, इसमें 2 कैरी डब्बे हैं। एबटाबाद में आपको पता है कि ज़्यादातर पब्लिक ट्रांसपोर्ट में कैरी डब्बे चलते हैं, 2 कैरी डब्बे रिकवर किए, 1 मेहरान कार है। तो ये भी बहुत जल्द जो है अपने मालिकान को हवाले कर दी जाएंगी। मुलजिमान भी कुछ गिलगित से अरेस्ट हुए हैं और कुछ और हैं। इसी तरह मांगल पुलिस ने एक मोटरसाइकिल लिफ्टर गैंग जो है वो पकड़ा है और उनसे 2-3 मोटरसाइकिलें हमने रिकवर कर ली हैं। अपना जो पेट्रोलिंग सिस्टम है इसको रीऑर्गेनाइज कर लेंगे और उनको हिदायत देंगे कि वही जो मकामी चौकीदार होते हैं बाजारों के, अड्डों के, उनको उसी तरह वो अलर्ट रखें और ख़ुद भी पेट्रोलिंग जो है वो इम्प्रूव करें।